होली के पर्व की समस्त देशवासियों को, सनातन धर्मावलंबियों को, सभी को बहुत बहुत बधाई। आज हम सब लोग होली का पर्व बड़े धूमधाम से मना रहे हैं। वृंदावन में चारों ओर होली की बहार छाई हुई है। इस समय हम लोग वृंदावन बैठे हैं तो यहाँ से चारों ओर होली की मस्ती और होली की बहार छाई हुई है। देखिए, होली का अर्थ है कि यह मन, यह आत्मा श्याम सुंदर की होली। जिस दिन हम भगवान के हो गए उसी दिन हमारी होली है। हम केवल रंगों में ना रंगें बल्कि भक्ति के रंग में, प्रेम के रंग में, भगवान के रंग में रंग जाएं, भगवान की भक्ति के रंग में रंग जाएं, नाम के रंग में रंग जाएं, भगवान का नाम लेते हुए नाम के रंग में रंग जाएं। और सबसे बड़ी हमारी होली की सार्थकता तब होगी, हम संसार भर के लोगों के साथ, जमाने भर के लोगों के साथ तो होली खेलते हैं, लेकिन हमारे अपने बुजुर्ग अपने आप को उपेक्षित अकेला महसूस करते हैं, हम उनके साथ बैठकर होली खेलें। अपने त्योहार हम अपने बुजुर्गों को आगे रख करके मनाएं, अपने माता पिता बुजुर्ग उनको आदर देते हुए उनके साथ होली खेलिए, उनको वह आनंद प्रदान कीजिए, उनके मन में उत्सुकता रहती है हमारे बेटे हमारे पोते हमारे साथ होते इस त्योहार में। तो हम आप सभी से यही निवेदन करेंगे कि आप त्योहार मनाइए, उस त्योहार में अपने बड़ों का, अपने बुजुर्गों का सम्मान आदर अवश्य कीजिए, उनके साथ बैठ करके उनकी संवेदनाओं को समझते हुए, उनका आदर करते हुए उनको प्रसन्न करिए। आपने यदि अपने बुजुर्गों को, अपने माता पिता को, अपने दादा दादी को प्रसन्न कर लिया तो निश्चित मानिए कि आपसे बांके बिहारी ठाकुर जी निश्चित प्रसन्न हो जाएंगे, श्री जी अवश्य प्रसन्न हो जाएंगे, क्योंकि हमारे बुजुर्ग ही हमारे लिए भगवान हैं। जिन माता पिता ने जन्म दिया वो हमारे लिए ईश्वर के समान हैं। हमारे त्योहारों में हम उनको भूलते जा रहे हैं, हम जमाने भर के लोगों के साथ त्योहार मनाते हैं, लेकिन हमारे माँ बाप, हमारे परिजन, हमारे बुजुर्ग उपेक्षित सा अनुभव करते हैं। तो उनके लिए आदर दें, उनके साथ समय बिताएं, उनके साथ उत्सव मनाएं। साथ में ही हम तो यहाँ बानप्रस्थ धाम बना करके और उन बुजुर्गों के लिए एक बहुत सुंदर वातावरण दे ही रहे हैं। श्रीधाम वृंदावन की इस पावन स्थली में ये भक्तिमय वातावरण, जहाँ आज आप देखिए चारों ओर आनंद ही आनंद छा रहा है, अबीर गुलाल रंग उड़ रहे हैं और चारों ओर बाहर छाई हुई है, तो ऐसे वातावरण में हमारे बुजुर्ग, हमारे वह दंपत्ति आकर रहेंगे और उनको आनंद मिलेगा, उनका जीवन उत्साह और उल्लास से भर जाएगा, लोक और परलोक सवर जाएगा। इसके लिए बानप्रस्थ धाम तो बनी रहा है। बानप्रस्थ में तो उन बुजुर्गों की खूब सेवा होगी ही, पर आप भी अपने घर में अपने बुजुर्गों को खूब समय दें, सम्मान दें, उनसे स्नेह करें और उनके साथ होली और सभी त्योहार मनाएं।